हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो यूपीटेट लाइव मैथ्स क्लास के अंतर्गत प्रैक्टिस सेशन मैथ्स का आप देख पा रहे हैं। वैसे आप बराबर प्रैक्टिस पार्ट देखते रहे हैं, लेकिन घातांक के अंतर्गत मैंने प्रैक्टिस सेशन से उन प्रश्नों को सेलेक्ट किया हुआ है जो कि प्रश्न संभावित हैं कि आपके परीक्षाओं में एक बनना तय है। एक चीज़ माने रखिए, 2011 से 18 तक की प्रीवियस परीक्षाएं जो संपन्न हुई है, इवन दो सुपर टेट की भी परीक्षाएं आप मिला लीजिए, तो परीक्षा नियामक ने इधर जो प्रश्न रखे हैं सभी में घातांक का प्रश्न आप देख पाएंगे। तो एक ऐसा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, लेकिन एक अनिवार्य अंक आपको देकर जाता है। मैं यहां से प्रश्नों का कुछ संग्रह आपके सामने रखूंगा। घातांक के टॉपिक आप पढ़े हुए हैं, हाँ, बीच में कहीं भी यदि कुछ सामान्य नियम की बात होगी तो साइड में मैं लिखता चलूंगा। तो चलिए, ऐसे सेलेक्टेड प्रश्न को रख रहे हैं जो कि परीक्षाओं में एक श्योर है, एक प्रश्न आप पे फंस जाना। तो चलिए यहाँ से देखें, पहले कुछ बेसिक प्रश्न देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक प्रश्न लिया है, 5 पर घात 0.25 और गुणा 125 पर घात 0.25। मैंने आपसे पूछा कि इसका मान क्या होगा। ऑप्शन में मैंने दिया है 1, बी ऑप्शन में 0, सी ऑप्शन में 5 और डी ऑप्शन में 125। चलिए यहां से प्रश्नों को सॉल्व करें। अभी आप जानते हैं कि घातांक के जैसे प्रश्न को आप हल करते हैं तो बेसिक रूल यह होता है कि आधार को जितना हो सके उतना छोटा रखिए। आधार हमारा जितना हो सके कंसाइज रहे, छोटा रहे, मतलब आधार को उससे ज्यादा कॉम्पैक्ट न किया जा सके। मींस आधार अभाज्य होना चाहिए जिसका गुणनखंड संभव न हो। तो चलिए पहले बताइए, क्या 5 का गुणनखंड हम कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि 5 एक अभाज्य है, तो इसको जैसे का वैसा रखना, 5 पर घात 0.25 और गुणा 125। 125 का गुणनखंड हो जाएगा क्योंकि 125 को मैं लिख सकता हूं 5 पर घात 3। 125 को 5 × 5 × 5 मीन्स 5 पर घात 3 लिख सकते हैं, और इस पर घात पहले से पड़ा हुआ है 0.25। इतना बात समझ रहे हैं? 5 पर 0.25 जैसा है वैसे किया, गुणा 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं, और 125 पर घात 0.25 पहले से ही लगा दीजिए। हम सभी जानते हैं यदि किसी आधार पर एक से अधिक घाते हों तो उन घातों का गुणा कर लिया जाता है। तो चलिए यहां पर 5 पर घात 0.25 है, और यहां पर देखिए घात पर भी घात लगा है, तो इन घातों का गुणा करिए तो 25 × 75, 2 अंक पर 0.00 लगेगा, तो 0.75 हो जाएगा। अब इनका हमें गुणा करना है, 5 पर घात 0.25 और गुणा 5 पर घात 0.75। हम सभी जानते हैं कि गुणा करते समय यदि आधार समान हो तो इनकी घातें जोड़ ली जाती हैं। तो चलिए ध्यान देना, इसका भी आधार 5 है, इसका भी आधार 5 है, तो आधार में तो 5 ही रहेगा, लेकिन 0.25 घात में जुड़ जाएगा। कितना घात? 0.75। और जब दोनों घातें जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। 0.25 और 0.75 जोड़ेंगे तो कितना? 1। तो 5 पर घात 1 का मतलब 5 हुआ। यहां पर ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? सी। तो बेहद सिंपल प्रश्न है। चलिए कुछ प्रश्न और इसी क्रम में प्रोसीड कर रहे हैं। चलिए पहले एक प्रश्न और बेसिक क्रम में देख लीजिएगा। जैसे हमने लिखा है (x, y)(a - b) × (x, y)(b - c) और (x, y)(c - a) हमने पूछा कि इसका मान क्या होगा। चलिए, हालांकि आपको उत्तर मिल गया होगा, बहुत ही आसान प्रश्न मैंने रखा है, 0, b में 1, c में x, y और d में a, b, c। तो यहां से चलिए मैंने ऑप्शन भी दे दिए हैं, इस प्रश्न को हल करें। बेहद सामान्य सवाल है, आपका उत्तर वैसे आने लगा है। ध्यान देना, इन तीनों पदों का हमें गुणा करना है, x, y पर घात a - b × x, y पर घात b - c × x, y पर घात c - a।
हम सभी जानते हैं कि यदि गुणा करते समय आधार समान हो तो घातें जोड़ ली जाती हैं। देखिए तीनों पद का हमें गुणा करना है क्योंकि बीच में डॉट पॉइंट है जिसका सेंस गुणा होता है। तीनों पदों का गुणा करना है और सबके आधार क्या है, समान। तो जब आधार समान हो तो गुणा करते समय इनकी घातें जोड़ ली जाएंगी। तो ध्यान देना, a माइनस बी इस घात में जोड़ेंगे कितना, b माइनस सी, और इसमें भी जोड़ेंगे कौन सी घात, c माइनस a। बात समझ में आया कि नहीं? देखिए तीनों में आधार, तीनों पदों में आधार क्या है, एक्स वाई, तो आधार एक्स वाई ही रखिए लेकिन घातें जोड़िए। तो a माइनस बी घात में जोड़ेंगे b माइनस सी और इसमें भी जोड़ेंगे c माइनस a। तो देखिए माइनस a से प्लस a कैंसिल हो गया, माइनस b से प्लस b कैंसिल हो गया, कितना अच्छा लग रहा है, माइनस c से प्लस c भी कट गया। तो यहां पे जब सब कट गए तो घात पर बचा क्या, जीरो। और हम सभी जानते हैं यदि आधार पर घात शून्य हो तो उसका मान कितना होता है, एक। हमारा आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। तो देखिए बहुत सामान्य प्रश्न था, चलिए ऐसे प्रश्न आप देखकर भी उत्तर कर सकते हैं, बहुत सिंपल प्रश्न है, तो इसे इरेज कर रहे हैं एक प्रश्न की और प्रोसीड करते हैं। चलिए वैसे डस्टर देख के घबराइएगा नहीं, एक प्रश्न इसी सीरीज में और लिखते हैं। देखिए प्रश्न मैंने नेक्स्ट जो लिया है वो लिया है, यदि पांच पर घात दो एक्स माइनस एक बराबर 3125 हो तो यक्ष का मान क्या होगा। चलिए मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं, दो है, बी ऑप्शन में एक है, सी ऑप्शन में तीन है और डी ऑप्शन में कितना है, चार। यहां से आप देख पाए तो समझिएगा, पांच पर घात कितना है, दो एक्स माइनस एक, ये बराबर है 3125 के, तो यक्ष का मान किसके बराबर होगा। देखिए एक सिंपल सी बात है, हम सभी जानते हैं कि घातांक के कोई भी सवाल को हल करें आधार को जितना हो सके कॉम्पैक्ट रखें, आधार को जितना हो सके उतना ही छोटा करें। तो इसका आधार पांच है तो पांच को तो और छोटा नहीं कर सकते क्योंकि पांच एक अभाज्य संख्या है, तो पांच जैसे का वैसा लिखना। इस पर घात है दो एक्स माइनस एक बराबर, हाँ 3125 को और कंसाइज कर सकते हैं क्योंकि जब 3125 का आप फैक्टर करेंगे तो ये पांच से कटेगा 625 बार में, 625 पांच से कटेगा 125 बार में, 125 पांच से कटेगा 25 बार में, 25 पांच से कटेगा 5 बार में और फाइनली 5 पांच से कटेगा 1 बार में। तो 3125 को हम लिख सकते हैं 5 पर घात 5, 5 5 5 5 कितनी बार आया है, 5। तो यहां से ध्यान देना 3125 को लिखेंगे 5 पर घात 5। अच्छा देखिए दोनों पक्ष में आधार 5 है और घातांक का एक नियम हम सभी जानते हैं, यदि a पर घात m बराबर हो a पर घात n के, तब ध्यान देना बाएं पक्ष में भी आधार a है और दाहिने पक्ष में भी आधार a है और दोनों पक्ष में आधार समान हो तो घातांक का नियम यह कहता है ऐसी स्थिति में घातों को भी बराबर कर देते हैं। तो इसका भी आधार 5 है, इधर भी आधार 5 है, तो इसलिए घातों को कंपेयर करके बराबर दिखा दीजिए। इसकी घात है 2x माइनस 1 और बराबर इसकी घात कितना है, 5। ये 2x माइनस 1 है बराबर इस पर घात कितना है, 5। माइनस एक दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2x बराबर माइनस एक वहां प्लस होगा तो 5 और प्लस 1 6 हुआ। अब 2 यहां पर गुणा हो रहा है उधर जाएगा तो भाग जाएगा कि भाग हो जाएगा, x बराबर 2 वहां भाग हो जाएगा तो 6/2 बराबर कितना गया, 3। ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सी। तो चलिए इसी सीक्वेंस में मैं एक प्रश्न और बढ़ा रहा हूं, देख पा रहे हैं बहुत सिंपल सवाल है और इस पैटर्न पर सिंपल सवाल बनते ही है, हालांकि कुछ प्रश्न के स्ट्रक्चर आपको लगेंगे थोड़ा कठिन है लेकिन घातांक का कोई पार्ट कठिन नहीं है, इसके बेसिक नियम आप जानते ही हैं। हालांकि जहां पर कुछ और अतिरिक्त रूल की जरूरत पड़ेगी मैं बगल में लिखता भी चलूंगा, गारंटेड आप पूरा टॉपिक ध्यान से देखिएगा, श्योर घातांक से एक प्रश्न आएगा
और जो प्रश्न आएगा वो सब पढ़ा पढ़ाया सा रहेगा। चलिए यहाँ से एक प्रश्न और देखते हैं, इसी पैटर्न का प्रश्न पिछली बार परीक्षा में बना हुआ था। यदि a पर घात b बराबर 125 हो तो 2 पर घात a प्लस बी माइनस 4, इसका मान क्या होगा? चलिए मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं, 2 b में दे दे रहा हूं 4, c में 8 और d में 16। चलिए यहां से देखते हैं, प्रश्न में दिया है यदि a पर घात b बराबर है 125 को। हम सभी जानते हैं घातांक का जो बेसिक रूल होता है वो ये होता है कि आधार को जितना हो सके छोटा रखिए। तो फिलहाल a पर घात b इसको जैसे का तो वैसा रखना, लेकिन 125 को फैक्टर करेंगे तो 5 × 5 × 5, मतलब ये 5 5 कितनी बार आएगा? 3 बार। 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 का क्यूब। देखिए एक चीज हम यहां से देख पा रहे हैं कि ये दोनों पक्ष आपस में क्या है? बराबर है। ये दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, और ये दोनों पक्ष जब बराबर होंगे तो डेफिनेट ये आधार आधार के बराबर होगा तथा इसकी घात घात के बराबर होगा। ध्यान देना, दोनों पक्ष आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर होंगे तब जब इसका आधार आधार को आइडेंटिफाई करे और इसकी घात जो है घात के वेरिएबल हो। तो चलिए यहां से अतः हम कंपेयर करके एक बात कह सकते हैं कि इसका आधार a है और इसका आधार 5 है, तो a बराबर 5 है और इसकी घात b है, उसकी घात 3, तो b बराबर 3 है। तो चलिए अब हमें बताना किसका मान था, 2 पर घात a प्लस b माइनस 4, यही मान बताना है ना, 2 पर घात a प्लस b माइनस 4। तो चलिए बताना, a और b दोनों का मान पता है, a का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 3 है, तो 5 + 3 और माइनस 4, तो 5 और 3 कितना हुआ? 8। 8 में से 4 घटाएंगे 4 आएगा, और 2 पर घात 4 की वैल्यू कितनी होगी? 16। 2 × 2 × 2 × 2, ऑप्शन हमारा कौन सा संतुलित होगा? डी। तो चलिए एक प्रश्न और इसी सीक्वेंस में बढ़ाते चले, प्रश्न सामान्य है। चलिए यदि a पर घात x बराबर b कॉमा b पर घात y बराबर c तथा c पर घात z, ये z मैंने लिखा है ठंडी से गड़बड़ हो गया, c पर घात z बराबर a है, तो हमसे पूछा है x इंटू y इंटू z का वैल्यू क्या होगा, x इंटू y इंटू z का मान क्या होगा? चलिए पूरा प्रश्न आप देख पा रहे हैं, मैं ऑप्शन दे दे रहा हूं 0, 1, एबीसी और डी, नोटा सॉरी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, एनओटी। चलिए ये मैंने एक प्रश्न लिखा, उसके ऑप्शन मैंने यहां से दे रखा हुआ है। तो चलिए यहां से देखते हैं, a पर घात x बराबर b एक जानकारी हमारे पास ये है, और b पर घात y बराबर c दूसरी जानकारी ये है, और c पर घात z बराबर a तीसरी जानकारी ये है। हमसे पूछा है x इंटू y इंटू z का मान क्या होगा। मैं आपको बता दूं, तीनों में से कोई भी एक जानकारी लीजिए, आप सीधा निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। चाहे ये वाली जानकारी उठा लीजिए, चाहे ये वाली, या फिर लास्ट वाली, आप जो भी चाहे तीन में से कोई भी जानकारी चाहे उठा लीजिए। चलिए मैं पहली ही जानकारी लेता हूं, a पर घात x ये बराबर दिया है किसके? b के। ये पहली जानकारी, a पर घात x बराबर कितना है? b। बस हमें करना क्या है, दोनों पक्ष को बराबर करना है, दोनों पक्ष के आधार को बराबर करना है। जैसे बाएं पक्ष का आधार a है और दाहिने पक्ष का आधार कितना है? b है। बस आप दोनों पक्ष के आधार को बराबर कर दीजिए, रिजल्ट खुद ब खुद आ जाएगा। क्योंकि यदि आधार बराबर हो जाए तो हम सभी जानते हैं एक नियम होता है घातांक का, यदि a पर घात m बराबर a पर घात n हो तब m बराबर किसके? n के।
यदि दोनों पक्ष में आधार समान है तो घातों को भी कंपेयर करके बराबर कर लेते हैं। तो चलिए इस पहली जानकारी एक बार फिर से देखना, ए पर घात x बराबर बी दिया है, दोनों पक्ष के आधार बराबर करना है, तो b का वैल्यू तो यहां पर दिया नहीं है क्योंकि a पर x बराबर बी, हाँ a का वैल्यू पता है, बताइए a बराबर कितना है, a बराबर है किसके बताना, a बराबर है किसके, c पर घात z के, a बराबर है किसके, c पर घात z के। तो a के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं बताइए, a के स्थान पर हम लिख सकते हैं c पर घात z, कैसे बात समझना, a बराबर यहां से दे रखा है, a बराबर है किसके, c पर घात z के, तो a के स्थान पर जहां a लिखा है वहां पे हमने लिख दिया c पर z, ये किसके स्थान पर लिखे हैं, a के स्थान पर। अभी इस पर x घात है लगा दीजिए, बराबर कितना हुआ b। कुल मिला के ध्यान देना, घात पर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, कुल मिला के हम लिख सकते हैं c पर घात x का गुणा z में, तो x z हो गया बराबर कितना b। अच्छा अभी भी दोनों पक्ष में आधार बराबर नहीं है, बाएं पक्ष का आधार c है और दाहिने पक्ष का आधार b है, बस c का मान हमें पता है, ये c बराबर कितना है बताइए, c बराबर किसके है, c बराबर है b पर घात y के, c बराबर है किसके, b पर घात y के। तो जहां पर c लिखा है उस c के स्थान पर हम कितना लिख दें, b पर घात y, और इस पर घात कितना लगा है x z, बराबर कितना b। अब देखिए दोनों पक्ष में आधार बराबर दिख रहा है, वैसे आप जानते हैं घात पर घात हो तो घातों का गुणा होता है, तो y घात का गुणा x z में करें तो ये कितना हो गया, b पर घात x y z बराबर कितना b, बराबर कितना b। अब दोनों पक्ष में आधार बराबर है और यहां कोई घात नहीं है तो एक तो होगा ही, और जब दोनों पक्षों में आधा बराबर है तो घात भी बराबर दिखा देते हैं, तो x इंटू वाई इंटू जेड बराबर कितना गया एक, ये हमारा ऑप्शन बी बनेगा। एक बार फिर से देखना, a पर घात x बराबर b दिया है, दोनों पक्ष में आधा बराबर करना है, तो ऐसा है a का मान हमें पता है, a बराबर है c पर घात z के, तो a के स्थान पर हमने कितना लिख दिया, a के स्थान पर c पर z लिख दिया, ऊपर x घात था ही बराबर b, अब घातों पर घात हो तो गुणा हो गया, तो x का गुणा z में कितना हो गया xz, मतलब c पर घात कितना xz बराबर b। अब दोनों पक्ष में भी आधार अभी समान नहीं है, बराबर करना है, तो c का वैल्यू यहां से पता है, c बराबर है b पर घात y, तो c के स्थान पे हमने b पर y लिख दिया, xz पहले से पड़ा हुआ था बराबर b। घात पर घात हो तो गुणा होता है, तो y का गुणा xz में गुणा करेंगे तो xyz हो गया बराबर b। अब दोनों पक्ष में आधार समान है अतः घात भी बराबर, तो x इंटू वाई इंटू जेड बराबर कितना गया एक, और यही हमसे पूछा हुआ है। तो चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, इस पार्ट को एक बार फिर से देखना, इस प्रकार के प्रश्न बेहद आप वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज में रख सकते हैं। चलिए एक प्रश्न आप और देखें, हमने लिखा है 243 पर घात n बटे 5 इंटू 3 पर घात 2n प्लस 1 अपान 9 पर n इंटू 3 पर n माइनस 1, इसका मान क्या होगा, मैं बगल में ऑप्शन दे दे रहा हूं, a बराबर 9, b बराबर 3, c बराबर 1 और d बराबर लिख देते हैं 3 पर n। चलिए बगल में ये मैंने ऑप्शन फेंक दिया, मतलब रख दिया है, ध्यान देना। अब प्रश्न जैसे ही देखते हैं इतना ऊंचा प्रश्न देख के घबरा जाते हैं, तो ध्यान देना प्रश्न के ऊंचाई पर नहीं जाना, प्रश्न बेहद सिंपल है। हम क्रम से देखें, हम सभी जानते हैं, मैं देखिए जब से पार्ट की शुरुआत किया हूं मैं एक बात बार बार रिपीट कर रहा हूं, हमने आपसे ये कहा आधार को जितना हो सके, आधार को जितना हो सके उतना कंसाइज करके रखें, छोटा करके रखें। तो ध्यान देना अंश में देखिए 243 पर घात n बटे 5 है, और 243 का जब फैक्टर करेंगे
तो तीन गुड़ा तीन गुड़ा तीन गुड़ा तीन गुड़ा तीन पाँच बार आएगा, तीन तिया नौ, नौ तिया सत्ताईस, तिया इक्यासी, तिया 243। तो 243 को हम लिख सकते हैं तीन पर घात कितना, पाँच। देखिए 243 के स्थान पर तीन पर घात पाँच, और अभी इस पर घात हम लिखेंगे एन बटे पाँच, और इंटू तीन पर घात कितना, टू एन प्लस वन। अच्छा ये तो अंश हो गया, बात समझ है कि नहीं। 243 का जब गुणनखंड करेंगे तो तीन तीन पांच बार आएगा, तो तीन पर घात पांच किया, ऊपर एन बटे पांच तो था ही। अब गुणा तीन को तो और छोटा कर नहीं सकते, तो इसको जैसे का वैसा लिख देना बटे। अच्छा नौ पर घात एन है, बात समझिएगा, नौ पर घात एन है, तो आप देखिए नौ पर घात एन है तो नौ को तीन का स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, और इस पर घात कितना है एन। देखिए बात समझ रहे कि नहीं, नौ पर घात कितना है एन है, और नौ को हम तीन का स्क्वायर लिख सकते हैं उस पर एन, तो घात पर घात हो तो गुणा हो जाता है, तो दो का गुणा एन में तो तीन पर घात कितना हो गया, टू एन, और इंटू तीन को तो और छोटा कर ही नहीं सकते, तो एन माइनस वन। पहले बात फिर समझना, 243 तीन गुड़ा तीन गुड़ा तीन पांच बार आएगा, तीन पर घात पांच किया, ऊपर एन बटे पांच है, गुड़ा का चिन्ह है डाट है, गुड़ा किया, तीन पर घात दो एन प्लस वन जैसा है वैसे, बटे नौ को लिख सकते हैं तीन का स्क्वायर, एन घात पहले से था तो गुड़ा कर दीजिए, इंटू तीन को और छोटा नहीं कर सकते, तो तीन पर एन माइनस वन जैसे का वैसा। देखिए कितना आसान हो गया, ये बटे पांच और ये पांच कैंसिल हो गया। अब देखिए तीन पर घात एन है और गुड़ा तीन पर घात दो एन प्लस वन है, और गुणा करते समय आधार समान हो तो इनकी घातों को जोड़ लेते हैं, तो इसका भी आधार तीन है, इसका भी आधार तीन तो रहेगा, घात जुड़ेगा, एक एन और दो एन कितना हो गया तीन एन, और प्लस अब बटे इसका भी दोनों पद का गुणा करना है हर में भी, और दोनों में आधार सेम है तीन ही है, तो आधार तीन ही रखिए, घातों को जोड़ लीजिए, तो दो एन और एक एन जोड़ेंगे तो कितना आएगा तीन एन फिर माइनस एक। अब बात समझिएगा, भाग देना है, आधार समान है, और हम सभी जानते हैं कि यदि a पर घात m बटे a पर घात n हो तो ये बराबर होता है a पर घात m माइनस n। भाग देते समय आधार समान हो तो घाते घट जाती हैं, तो इसका भी आधार तीन, इसका भी आधार तीन, तो आधार तो तीन रहेगा ही, घाते घटेगी, तो तीन एन प्लस वन में से माइनस करना है, थ्री एन प्लस वन में से माइनस करना है, मतलब इस घात में से घटाएंगे, किस घात को घटाएंगे इसको, तो जब इसको जब माइनस करेंगे तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस का गुणा तीन एन में माइनस तीन एन, और माइनस का गुणा माइनस वन में तो क्या हो गया प्लस वन, तो ये तो कट गया, और तीन पर घात दो आया, और तीन पर घात दो की वैल्यू कितना आएगा नौ। चलिए ये पहले ही ऑप्शन में है नौ, ये हमारा आंसर राइट होगा। तो एक बार इस पार्ट को फिर से देख लीजिएगा। चलिए एक प्रश्न में और लिखता हूं, सभी प्रश्न सेलेक्टेड है, प्रश्न के ऊंचाई पर नहीं जाना, प्रश्न के जो कंटेंट है जिस तरीके से परीक्षा नियामक प्रश्न रखता रहा है प्रीवियस सेट को, पिछले परीक्षाओं में जो संपन्न जितनी भी 2011 से 18 तक की मॉडल सेट है, सभी प्रश्नों के यदि प्रारूप को देखें, पैटर्न को देखें, तो जो प्रश्न का प्रारूप है, जो डिमांड करता है प्रश्न के स्ट्रक्चर की, जो नेचर हो सकती है, उन सभी पॉसिबिलिटीज को मैं यहाँ पर अडॉप्ट कर रहा हूँ, और बेशक पूरे गारंटी से घातांक के पूरे सेक्शन को आप देख कर जाइएगा, एक प्रश्न श्योर आप जो पढ़े रहेंगे प्रत्यक्ष आप में बन जाएगा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, लेकिन जो भी प्रश्न बनेगा घातांक आप गारंटेड हल करके आएंगे, और जो भी प्रश्न बनेगा वो सब पढ़ा पढ़ाया सा ही मालूम रहेगा, कोई नवीन ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि जिसे आप देखकर ये कन्फ्यूज हों कि कैसे हल करना है, सारे पैटर्न को मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ। चलिए एक प्रश्न मैं यहां से और ले रहा हूं, यदि यह भी स्टैंडर्ड प्रश्न है, 9 बटे 4 पर घात यक्स गुणा 8 बटे 27 पर घात यक्स माइनस 1 ये बराबर है 2 बटे 3 के, तो हमसे पूछा है कि यक्स का मान क्या होगा। चलिए मैं ऑप्शन दे रहा हूं, एक दो तीन चार। चलिए एक चीज तो समझ
लीजिएगा, जब भी ऐसे प्रश्न आए आपकी, ऐसे मतलब इक्वेशन बेस्ड जिसमें एक लीनियर इक्वेशन रहे, रैखिक समीकरण रहे, आपकी प्रिफरेंस प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि दोनों पक्ष में आधार वही रहे, समान रहे। तो दाहिने पक्ष में आधार 2/3 है, दाहिने पक्ष में आधार 2/3 है, और बाएं में भी आधार 2/3 बनाना है सॉरी, तो 8/27 को 2/3 बना सकते हैं। क्यों 8/27 को लिख सकते हैं 2/3 का क्यूब, और 2/3 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, मतलब ये 2/3 का क्यूब बन जाएगा, मतलब इधर भी 2/3 हो जाएगा, वहां 2/3 है, लेकिन ये 9/4 है, 9/4 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9, और 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4, मतलब 3/2 का स्क्वायर बनेगा, और हमें चाहिए कितना 2/3। तो ऐसा करना ना, यदि ये उल्टा हो जाए मतलब 4 ऊपर हो जाए और 9 नीचे हो जाए तो ये भी 2/3 में बन जाएगा, और जब इसको उल्टा करेंगे तो घात चेंज हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, है ना, मतलब ये जो घात धनात्मक है, बात समझिएगा कैसे, 9/4 है, यदि हम इसको 4/9 कर दें तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस एक्स, जो पॉजिटिव घात था वो निगेटिव हो जाएगा। अब मैंने उल्टा क्यों किया, ताकि 2/3 इसको बना सके, क्योंकि दाहिने पक्ष में 2/3 है। अच्छा एक बात समझिए, यहाँ इंटू है 8/27 लिखा है, तो 8/27 को हम लिख सकते हैं 2/3 का क्यूब, बात समझना, 8/27 है तो 2/3 का क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। अच्छा 8/27 को 2/3 तो क्यूब लिख देंगे, लेकिन एक घात पहले से पड़ा है x-1, तो घात पर घात जाए तो उसका गुणा करेंगे, ये बात समझ है ना, 2/3 का क्यूब करेंगे तो 8/27 आएगा, उस पर x-1 है ही तो इसका गुणा हो जाएगा, ये बराबर कितना है 2/3। चलिए अभी बात समझना, 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, तो 4/9 को हम लिख सकते हैं 2/3 का स्क्वायर और मतलब 2 घात, और माइनस एक्स पहले से है तो कुल मिला के -2x हो गया, और इंटू 2/3 पर घात, अब 3 का गुणा दोनों में गुणा करेंगे, 3 का गुणा x में 3x और 3 का गुणा -1 में -3, ये बराबर हो गया 2/3। देखिए बात समझिएगा, 2/3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4/9 हो जाएगा, तो जब 2/3 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस एक्स पहले से था तो 2 का गुणा -x में कितना हो जाएगा -2x, ये 2/3, ये 3 का गुणा x में 3x और 3 का गुणा -1 में -3। चलिए अब दोनों का गुणा करना है, अब गुणा करते समय इसका भी आधार 2/3 है, इधर भी आधार 2/3, तो आधार तो 2/3 ही रहेगा, गुणा करते समय आधार तो वही रहेगा लेकिन घात जुड़ेगा, तो -2x और +3x कितना हो जाएगा x और -3, ये बराबर हो गया 2/3, बात समझिएगा, इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आधार 2/3 दोनों में समान है, तो घात जोड़ेंगे तो -2x और +3x कितना हो जाएगा x -3 बराबर 2/3, इस पर कोई घात नहीं है तो 1 हो ही जाएगा। अब देखिए दोनों पक्ष में आधार समान हो गया, इधर भी 2/3 उधर भी 2/3, आधार समान हो तो घात भी बराबर होता है, अतः x -3 = 1, x -3 = और -3 जब दाहिनी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x = 1 और +3 = 4, ये हमारा बना डी ऑप्शन। तो एक बार इस पार्ट को देख लीजिएगा। तो चलिए एक प्रश्न मैं और रख दे रहा हूं, घातांक पर काफी प्रश्न मैंने करा दिए, आप इतना प्रश्न के अलग अलग सभी स्वाभाविक नेचर को देख रही है तो प्रश्न फंसेंगे नहीं, बेशक आपका ले जाएंगे। एक सवाल मैं लिख रहा हूं, यदि 2 प्लस 3 / b = 17 तथा 2 + a + 2 - 3 / b + 1 = 5,
चलिए ऑप्शन दे रहे हैं, ए बराबर दो, बी बराबर तीन, बी ऑप्शन में ए बराबर माइनस तीन, बी बराबर माइनस दो, सी ऑप्शन में ए बराबर तीन और बी बराबर दो, और डी में ए बराबर माइनस दो और बी बराबर तीन। चलिए ये मैंने ऑप्शन दे रखा है, यदि दो प्रघात ए प्लस तीन प्रघात बी बराबर सत्रह है तथा दो प्रघात ए प्लस दो माइनस तीन प्रघात बी प्लस वन बराबर कितना है पांच, तो ए और बी का मान मैं आपको बता दूं, ऐसे प्रश्न को पूरा हल करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पूरा हल करेंगे समय की बर्बादी करेंगे, मानक प्रश्न है, परीक्षा में एक बार आप पे बन चुका है, पॉसिबिलिटी है किसी नेचर के प्रश्न फिर से रखे जा सके। तो चलिए आप ऐसे प्रश्न को सीधा ऑप्शन उठा के हल करिए, ऑप्शन से ए और बी का ऐसा मान रखिए कि बराबर सत्रह आ जाए। अब खुद ही प्रैक्टिकली सोच के बताइए ए और बी का ऐसा कौन सा मान रखें कि बराबर सत्रह आ जाए। तो आप सोचे ए बराबर तीन रख दे और बी बराबर दो रख दे, तो ए के स्थान पर तीन रखेंगे तो दो पर घात तीन कितना हो जाएगा आठ, और तीन पर घात बी, बी का मान कितना रख दे दो, तो तीन पर घात दो कितना हो जाएगा नौ, आठ और नौ कितना बन रहा है, बात समझिएगा। यदि ए बराबर तीन और बी बराबर दो यही ऑप्शन ले लिया जाए तो दोनों समीकरण को चेक कर लीजिए। पहले समीकरण एक, दो पर घात कितना है ए और ए बराबर कितना है तीन, और प्लस तीन पर घात है बी और बी बराबर कितना है दो, तो दो का क्यूब हुआ आठ और तीन का स्क्वायर हुआ नौ, आठ और नौ जोड़ेंगे तो हो जाएगा सत्रह। अब समीकरण दूसरा भी चेक कर लीजिए कि कहीं वो संतुष्ट कर रहा है कि नहीं, तो दो पर घात कितना लिखा है दूसरे समीकरण में बताइए, दो पर घात ए प्लस टू और ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू तीन है, तो ए के स्थान पर तीन रखें तो तीन प्लस दो कितना हो गया पांच, और माइनस तीन पर घात बी प्लस वन और बी का वैल्यू दो रखें तो दो प्लस एक कितना हो गया तीन, कितना आया दो पर घात पांच हो गया बत्तीस, और माइनस तीन का क्यूब हो गया सत्ताईस, तो बत्तीस में सत्ताईस घटाएंगे कितना आएगा पांच। ऐसे प्रश्न को आप ऑप्शन लेकर ही हल कर लीजिए, सुविधाजनक होगा, सहूलियत होगा। तो चलिए आप इस पार्ट को देख रहिए, मैं आपके सहूलियत के लिए एक दो प्रश्न लिख दे रहा हूं, आप उसे खुद हल करें और अपने उत्तर की सत्यता का परीक्षण करें कैसे हल करना है। आप इसी समीकरण पर ही आधारित एक दो सवाल मैं दे रहा हूं, क्योंकि समीकरण वाले सवाल में ही हल करने में थोड़ा समय लगता है। तो एक सिंगल लीनियर इक्वेशन सिक्वेंस में मैं एक प्रश्न बना रहा हूं, यदि दो पर घात यक्स प्लस एक और प्लस दो पर घात यक्स माइनस एक बराबर 320 है, तो मैंने आपसे पूछा कि यक्स बराबर क्या होगा, ऑप्शन पांच छ सात आठ। एक सवाल मैं ये दे दे रहा हूं, एक सवाल आप और नोट कर लीजिएगा, यदि दो पर घात यक्स प्लस चार और माइनस दो पर घात यक्स प्लस दो ये बराबर तीन है तो फिर यक्स बराबर क्या होगा, इसके लिए ऑप्शन है माइनस दो, माइनस तीन, दो और तीन। चलिए आप दोनों प्रश्नों को हल करिए, उम्मीद करते हैं आप लोग सभी उत्तर कर सकेंगे। आपको बता दें कि ये जो प्रश्न मैंने घातांक के सीरीज में एक सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन को रखा, पूरे पर्टिकुलर को एक बार ढंग से देखे, कहीं डाउट हो तो प्ले करके दोबारा देखे, गारंटेड घातांक से एक प्रश्न हल कर सकेंगे। ये चीज़ें मैं बार बार कह रहा हूँ वीडियो की शुरुआत से ही, आप खुद ही एनालिसिस करें, परीक्षा देने के बाद आप बताइएगा। आज के क्लास बस इतना ही, नेक्स्ट में आपसे फिर से मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।